ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, अयोध्या में बेस्ट होटल अगर रुकने के लिए है, अगर आप रुकना चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये देखिए मैं आपको, ये हनुमंतिया पैलेस है जो अयोध्या में है। आपको मैं अंदर से व्यू दिखाती हूँ इसका, ये देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है इस होटल की। यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो आप अपने व्हीकल से आते हो, पर्सनल व्हीकल से, तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं जाएंगे आपको पार्किंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फाउंटेन भी है ये देखिए। यहाँ पे दो ही फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है एंड सेकंड है। यहाँ मे बी यहाँ पे शायद मैरिज भी होती है या कोई फंक्शंस अगर इवेंट्स कराने तो यहाँ पे करा सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है और स्पेस भी है अंदर भी और बाहर भी, इंटरनल वाला भी आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए ये नीचे का है एरिया, यहाँ पे इन हाउस पार्टीज़ भी करी जा सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे और फुली एसी नॉन एसी दोनों है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये रूम्स है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से बताती हूँ, अभी हम लोगों ने एसी रूम करा हुआ है तो इसका रिव्यू दूंगी अंदर से कैसा है। आप देख सकते हो ये मारुति नंदन पैलेस है होटल जो अयोध्या में है। ये देखिए ये फुली एसी है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच है, सारे ऑन है। ये देख सकते हो ये डबल बेड है, यहाँ पे सोफ़ा है, सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने ये रूम करा है बुक, तो आप देख सकते हो सफिशिएंट है। अगर आप जैसे एक्स्ट्रा पर्सन, ये डबल बेड है क्योंकि दो लोगों के हिसाब से या तीन लोगों के हिसाब से, अगर आपको, अगर आप ज़्यादा लोग हो आपको एक ही रूम में रहना है तो वो भी उसका अरेंजमेंट कर देते। देखो अभी तक के हम लोगों ने जितने भी अयोध्या में मतलब रूम्स देखे, होटल्स देखे, तो ये हमें बेस्ट लगा है और हमने इसलिए इसी बुक करा है। ये देख सकते हो यहाँ पे, और इसमें अटैच लेट बाथ है, ये देखिए इसमें अटैच लेट बाथ है, यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है। नॉर्मल मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी सारी चीज़ें। गीज़र भी लगा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी गर्म पानी ठंडे पानी की। बाकी रूम बहुत बढ़िया है, मैं अब इसके रेट बताना चाहूँगी रूम के। तो इसके रूम का जो रेट है वो है 2000 रुपीज़ पर एक नाइट का, 2000 रुपीज़ लेते हैं 24 आवर्स का। तो अगर आपको बुक कराना है तो आप करा सकते हो, हमने भी कराया है, हमें वन डे के लिए चाहिए था तो 2000 रुपीज़ का कराया है। और यहाँ पे आपको चाय और नाश्ता जिसकी भी फैसिलिटी है सारी अवेलेबल है, तो आपको अगर चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो। इन हाउस में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं, बाहर से तो मैंने आपको व्यू दिखा ही दिया था, ये अंदर से है जो हमने करा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेंटिलेशन के भी बहुत अच्छा एरिया है। तो अगर आपको बुक कराना है या आप आए अयोध्या तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे आइए, और आपको होटल ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मंदिर देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे, तो आपको सिक्योरिटी से लेके सारी चीज़ें, वाटर की जो मेन रहती है अपने को गर्म पानी ठंडे पानी की, तो वो तो दिक्कत जाएंगी ही नहीं बिल्कुल भी, तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ से मंदिर, जो भी अपने मंदिर है या फिर खाने के होटल्स है वो सारे भी पास में, अगर आपको यहाँ पर नहीं लेना है मतलब खाना तो आप बाहर से ले सकते हो। मैं आपको ऊपर का भी दिखाती हूँ यहाँ से चढ़ के, हमने तो वैसे मतलब बुक कर लिया है तो फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आपको नीचे नहीं अच्छा लगे, सेम ही रूम है ऊपर नीचे, ये स्टेयर्स है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस यहाँ पे, ये देखिए अभी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। नीचे मैंने आपको रिव्यू दिखाई दिया हमने रूम कौन सा करा है, कैसा करा है, कितने का करा है। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो होटल वाले और ये जो लोकलाइट बोलते हैं कि यहाँ पे बंदर बहुत मिलेंगे आपको, तो बंदरों से सावधान रहिए, मंकी जो रहते वो आ जाते हैं। ये देखिए अंदर भी सेम ही है जैसा मैंने आपको नीचे बताया था, यहाँ पर भी रूम्स है, यहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर भी।
यहाँ पे आपको एसी नॉन एसी दोनों मिलेंगे, बट यहाँ जैसे कि अयोध्या और यूपी में तो बहुत गर्मी लगती है, तो अगर आप एसी ले तो ही ठीक है, आप नॉन एसी भी ले सकते हैं। नॉन एसी के भी इतने ही चार्जेस रहेंगे, अगर आप ऑफ सीज़न आते तो मे बी शायद थोड़ा कम मिले, लेकिन ऑन सीज़न और अभी सावन का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे बहुत भीड़ है कांवड़िया लोगों की और दर्शन करने वालों की भी, अयोध्या में तो रहती ही है। और आज जैसे हम लोग मंगलवार के दिन आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और होटल्स भी बुक हो गए थे और सबके ऐसे ही रेट्स है, तो आपको जो एसी के रूम्स है वो 1500 से 2000 रुपीज़ फॉर पर डे के ही मिलेंगे। तो ये था मेरा होटल रिव्यू, ये है मारुति नंदन पैलेस जहाँ हम रुके हैं। तो अगर आपको भी रुकना है तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा होटल है, ये देख सकते हो। बाकी सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे और सारी फैसिलिटी है सफाई से लेके, और जो इन लोग के अंदर के जो काम करने वाले भैया लोग हैं वो भी आ जाते हैं टाइम अगर कुछ इशू आते हैं। वैसे तो इशू कुछ भी नहीं आएंगे आपको, पानी से लेके चाय नाश्ते से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी मेन। थैंक यू। अब हम अयोध्या ट्रिप करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी हम कहाँ कहाँ घूमे, कैसे गए, क्या करा हम लोगों ने। ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू फॉर होटल। अगर आपको ढूंढना है होटल, बेस्ट होटल इन अयोध्या, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये होटल बेस्ट है। थैंक यू।